देश को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। अब INS विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि विक्रांत केवल एक युद्धपोत ही नहीं, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस ऐतिहासिक समय पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, CM पिनाराय विजयन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। INS विक्रांत की खास बात यह है कि यह एक स्वदेशी युद्धपोत है। इसे 2009 में बनाना शुरू किया था और आज इसे नौसेना में शामिल किया गया। भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है INS विक्रांत। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ है। INS विक्रांत को भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ साथ 100 से अधिक MSME द्वारा आपूर्ति किए गए स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें अत्याधुनिक ऑटोमेशन विशेषताएं हैं। इसके साथ ही PM मोदी ने नौसेना के नए इनसाइन का भी अनावरण किया। आज इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज शिवाजी छत्रपति महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहरा रहा है।